हरिओम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको जो उपाय बता रहे हैं वो यदि आपके जीवन में बहुत संघर्ष चला है, बहुत ट्रबल चला है, बहुत से दुख चले हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, कुछ कार्य नहीं बन रहा है, कोई सकारात्मकता हो नहीं रही है, कोई नौकरी पेशा वाले हैं, नौकरी वाले हैं तो उनकी प्रमोशन नहीं हो रही, प्रमोशन रुक रही है, कोई बिजनेसमैन है तो कार्य रुक रहे हैं, जीवन में संघर्ष निरंतर चला हुआ है। तो यदि आप भी उन लोगों में ऐसे हैं तो आपको एक उपाय करना है। छोटे छोटे हम उपाय बताते हैं, आप करिए। हमेशा कहते हैं जब भी कोई टोना टोटका या उपाय करते हैं तो सर्वप्रथम पूर्ण विश्वास रखें। और हम जो कहते हैं ये हम नहीं कहते हैं, ये निर्देश भी बाबा का है, आदेश भी बाबा का है, सब कुछ बाबा की कृपा से है। भोलेनाथ पे विश्वास रखें, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, सृष्टि के रचयिता है बाबा भोलेनाथ, इनके ऊपर विश्वास रखें। अब कुछ लोग कहेंगे कि सृष्टि की रचयिता नहीं है, ये तो संहारक है। तो ऐसा है, ये पुराण पढ़िए, उसमें देखिए सृष्टि के पालनहार, संहारक और रचयिता सब कुछ शिव ही है। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको छोड़िए। आपको क्या करना है, यदि आपके जीवन में दुख चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, तो ऐसे समय में आपको क्या करना, गंगा जल में काले तिल मिलाकर शिव भगवान का अभिषेक करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो है, जो व्याप्त जो दुख है, संताप है, वो अवश्य दूर हो जाएंगे। और अगर आप मानसिक तनाव से निजात चाहते हैं, मानसिक तनाव है, परेशानियां हैं, तो सोमवार के दिन स्नान ध्यान के बाद विधिवत आपको भगवान शिव की और माँ पार्वती की पूजा करनी है। नित्य आप शिव परिवार की पूजा कीजिए, आप देखेंगे जीवन में धीरे धीरे आपके सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। और ऐसे समय में कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। देखिए, कई बार कई लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हमें 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 5 साल हो गई है करते करते, लेकिन फिर भी वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे जैसे हम चाहते। देखिए, हमारे जो कर्म होते हैं, कुछ प्रारब्ध के होते हैं, कुछ संचित कर्म जो होते हैं, ठीक है, उसके आधार पे हमें जो है जीवन में सुख और दुख प्राप्त होता है। यदि आपके पिछले कोई कर्म बुरे हैं तो पहले वो कटेंगे, सफाई पीछे से होती है। आपने पूजा पाठ शुरू की है, आपने ध्यान जाप आदि शुरू किया है, तो उतनी ऊर्जा को इतने लेवल में बढ़ाइए कि वो जो पिछला जो आपका जो बुरा कर्म है वो कट जाए। इसलिए कहते हैं निरंतर ध्यान कीजिए, जाप कीजिए, जिस देवी देवताओं के ऊपर आप विश्वास करते हैं, इसकी सेवा कर रहे हैं, निरंतर सेवा करें, कोई बात नहीं, कष्ट आता है कोई बात नहीं। प्रभु श्री राम को भी कष्ट आया था, भगवान श्री कृष्ण को भी कष्ट आया था, भोलेनाथ को भी कष्ट आया था, सभी ने कष्ट झेले हैं, तो हम तो मनुष्य हैं। तो घबराए नहीं, पूर्ण विश्वास रखें प्रभु भगवान पे, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया टिकी है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके जीवन के सभी दुख कष्ट अवश्य दूर हो गए। हरिओम।